है स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक एंड कॉमन स्किल्स है हर एक फील्ड में। आपको जिमनास्टिक्स में भी है स्ट्रेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कैलिस्थेनिक में, योगा में, फ्री रनिंग, पार्कौर और स्ट्रीट वर्कआउट, क्रॉसफिट, हर एक फील्ड में, इवन इससे भी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स वाले भी हैंड स्टैंड करते हैं आजकल, एमएमए वाले भी करते हैं, हर कोई हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करता है, इवन जिम वाले, और पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में हैंड स्टैंड अब आ चुका है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे कभी किसी ने बात नहीं किया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका फर्स्ट स्टेप, आप कैसे जिमनास्टिक हैंड स्टैंड सीख सकते हैं जो जिमनास्ट करते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। गाइस, सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो रिलेटिंग लग रहा है आपके फील्ड से और आप इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिल पाए आगे। तो आपने आज से पहले देखा होगा कि हर किसी का हैंड स्टैंड करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे वो स्टार्टिंग हैंड स्टैंड किक करते हैं तो कैलिस्थेनिक में कुछ डिफरेंट होता है, योगा वालों का कोई डिफरेंट होता है, क्रॉसफिट में कोई डिफरेंट होता है, तो ऐसे ही हर कोई बिल्कुल अलग अलग वे से करता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कितने सारे वे हो सकते हैं इसके। तो अब हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल जिमनास्टिक हैंड स्टैंड के बारे में। अगर आपको एक प्रोफेशनल जिमनास्टिक स्किल सीखनी है, अगर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिमनास्टिक स्किल सीखनी है, तो आपको जिमनास्टिक हैंड स्टैंड आना चाहिए और वो कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप ही आपको लास्ट आपके एम तक लेके जाएगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेप गलत है तो आप बीच में बिल्कुल स्टक हो जाओगे। तो प्रोफेशनल जिमनास्टिक में अगर आप कोई भी स्किल से स्टार्ट करते हो, तो वो स्टार्ट करने का जो आपका स्टाइल है, इससे ही वो पता लगा लेते हैं कि आप कैसे जिमनास्ट हो और कैसा करने वाले हो आगे। तो आपको जिमनास्टिक स्किल्स में बिल्कुल लेग्स बेंड करना, लेग्स ओपन करना, या आपको बिल्कुल भी बॉडी जो आप लूज छोड़ के प्रैक्टिस करते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको हर चीज़ एक्टिव रखना पड़ेगा, आपका हेड टू टो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए जिमनास्टिक स्किल्स में। तो एक जिमनास्ट परफेक्ट हैंड स्टैंड कैसे करता है, हम इस बारे में बात करते हैं कि वो स्टार्ट हम कैसे कराते हैं उसको। अगर कोई बिगनर है तो उनको हम जिमनास्टिक हैंड स्टैंड कैसे स्टार्ट कराया जाए, उनकी किक की कैसे प्रैक्टिस कराया जाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिमनास्टिक में, क्योंकि यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है और इससे ही रिलेटेड पूरे आपके जिमनास्टिक के फ्यूचर स्किल्स हैं फ्लोर में। तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही करेक्ट वे है हैंड स्टैंड स्टार्ट करने का। तो आप जैसे इस पोजीशन से स्टार्ट करते हो, तो यही सेम पोजीशन आपको हर स्किल्स में लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं जब कार्टविल करूँगा, तो कार्टविल में भी सेम ऐसा ही पोजीशन से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर जैसे कि आपने देखा होगा, तो जिमनास्टिक में बिल्कुल ऐसे ही हैंड स्टैंड स्टार्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है। और जैसे आप कॉम्पिटिशन भी खेलते हैं, कॉम्पिटिशन जाते हैं अगर, तो उसमें भी आपको यही पोजीशन बिल्कुल वर्क करेगा जिसमें नो डिटेक्शन है। अगर आप कोई गलत हैंड स्टैंड करते हैं, लेग बेंड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपका पॉइंट पूरा कटेगा, तुरंत ही कटेगा। बस अगर आप जिमनास्टिक सीखना चाहते हैं, जिमनास्टिक के बिल्कुल आगे की स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कार्टव्हील, राउंड ऑफ, बैक हैंड स्प्रिंग, फ्रंट हैंड स्प्रिंग, तो आपको बिल्कुल यही हैंड स्टैंड सीखना पड़ेगा, ऐसे ही बेसिस करना पड़ेगा। कि जैसे कि कैलिस्थेनिक एंड योगा में डिफरेंट करते हैं, लेकिन उनको उतनी नीड नहीं है, लेकिन जिमनास्टिक में क्या है कि आपका हैंड स्टैंड सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्किल है, और इसी से आपका फ्यूचर स्किल डिसाइड होना है। तो आपका अगर फर्स्ट वे ही गलत होगा, अगर मैं फर्स्ट वे ही, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट वे ही अगर मैं ऐसे किक करूँगा, अगर ये पकड़ के ऐसे ऐसे किक करूँगा, तो मैं कार्टविल थोड़ा ना करूँगा। कार्टविल क्या होगा, कार्टविल में भी मैं ऐसे फिर हाथ रखूँगा, ऐसे कार्टविल थोड़ा ना करूँगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हैंड स्टैंड ही सबसे पहले ये किक करना पड़ेगा।
हैंडस्टैंड में ही यही चीज किक होगा, ये चीज होगा, और फिर इसी से ही कार्टविल जाना है आगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आपका फर्स्ट भी अच्छा होना चाहिए अगर आप हैंडस्टैंड, क्योंकि सबको हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी होती है सबसे स्टार्टिंग में। अगर वो आप करेक्ट कर रहे हो तो आपका वैसे ही आपका फ्यूचर स्किल डिसाइड हो रहा है कि आपका हैंडस्टैंड अच्छा हो रहा है, आपका पोजिशन फर्स्ट भी अच्छा है तो आपका कार्टविल भी अच्छा हो रहा है। अब इसमें भी बहुत डिफरेंट है कि आपका लेग कितना दूर रहना चाहिए, हाथ किस एंगल में जाना चाहिए, ये भी बहुत ही डिफरेंट वे है, ये डीप नॉलेज है। तो मैं आपको अभी ऊपर का नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपको और ज़रूरत है, अगर आपको सीखना है ये चीज़ कि हैंडस्टैंड स्टार्ट कैसे किया जाए, किक कैसे स्टार्ट किया जाए, अभी तो ये इंट्रोडक्शन था। अगर आपको सीखना तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करना और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस बारे में कि आपका हाथ कैसे जाना चाहिए, लेग कितने दूर रखने हैं आपको, कार्टविल में कैसे होना चाहिए, कैसे हॉप लेना है, कैसे जंप हॉप लेना है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली होगी, अगर आपने ऐसा नॉलेज पहली बार लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसा नॉलेज मिल पाए और वो भी अपने एम को पूरा कर पाए। तो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस्ड।